लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव प्रचार का दौर शुरू हो गया है। सियासी दलों के बीच वार पलटवार भी जमकर चल रहा है। इसी बीच कुछ लोगों ने आचार संहिता को लेकर अपना विरोध जताया है। उनका कहना है रमजान का महीना शुरू हो गया है और आचार संहिता लागू होने से उन्हें बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। इस मुद्दे को लेकर गोपाल शेट्टी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। देखिए, बात बहुत स्पष्ट है, ये सारे लोगों को हार बहुत नजदीक से दिखाई दे रहा है, इसलिए रिजल्ट के बाद में बहाना अभी से ढूंढ रहे कि रमजान के समय पे चुनाव करवा लिया इसलिए हम हार गए करके, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं मानता हूँ कि रमजान एक पवित्र महीना है और चुनाव एक बहुत पवित्र चीज है। 5 साल देश और समाज किस दिशा से आगे जाएगा ये तय करने का समय है, और मैं मानता हूँ कि मुस्लिमों का रमजान का समय हो, हिंदुओं का हिंदू दिवाली हो, कैथलिक लोगों का क्रिसमस हो, ये सारे पवित्र त्यौहार होते हैं। इस समय पे तो जो काम आप करते हो अच्छा है, इसको मानकर सुकून मानना चाहिए। तो इसमें भी अगर किसी को राजनीति दिखती होगी तो उसका बहुत स्पष्ट मत है, हार इन्होंने स्वीकार लिया है, इनको पता है कि ये जीतने वाले नहीं है। और फिर हारने के बाद में आप जैसे टीवी वाले पूछेंगे कैसे हार गए, तो भाई रमजान के महीने में चुनाव किया इसलिए हार गए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पंचायत का चुनाव एक साथ हो सकता है, लोकसभा चुनाव का एक साथ हो सकता है, तो क्यों विधानसभा का चुनाव क्यों एक साथ नहीं हो सकता है। इस मुद्दे पर सांसद गोपाल शेट्टी ने दी अपनी राय। फारूक अब्दुल्ला साहब भी भूल गए होंगे, मोदी साहब का तो सबसे पहले ये मत कहते कि एक साथ में चुनाव करो, लोगों को भी परेशानी न हो, सरकार का खर्चा भी बच जाएगा। ये तो मोदी जी का सुझाव था, लेकिन उसको तो किसी ने साथ नहीं दिया। मोदी जी तो पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव साथ में कर लो इस मत के थे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के साथ ही आचार संहिता लागू होने पर बैनर पोस्टर के साथ साथ शहीदों के फोटो का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बसपा सपा गठबंधन कांग्रेस को मिलाने की कोशिश से कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलवामा हमले के बाद से मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, इससे मोदी का ग्राफ काफी बड़ा है। सांसद गोपाल शेट्टी ने दी इस मुद्दे पर अपनी राय। अभी मैं सत्य के सब बात का जवाब एक ही है, विपक्ष को चुनाव हार उन्होंने स्वीकार लिया है, इनके जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए इस तरह की सारी बातें करते हैं, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, जनता बहुत जागरूक हो गई है, जनता का पॉलिटिकल मैच्योरिटी बढ़ गया है लोकशाही में, और ये बसपा और समाजवादी दोनों साथ में आने के बाद में भी इनको लगा कि बात कुछ बहुत ज़्यादा बनने वाली नहीं है, 2-4% का ही फर्क है, और बाद में जो गतिविधियाँ पूरे देश में आतंकवादियों के बारे में हुआ है, तो उससे मोदी जी का ग्राफ और NDA का ग्राफ और ऊपर बढ़ गया है, इसलिए तो एक तीसरे पार्टनर को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा कि राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास का मुद्दा ही हमारा चुनाव प्रसार का मुद्दा है। देश के 80% पॉपुलेशन और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने तो 100% लोगों को जोड़ दिया, हिंदुत्व है ना, वे ऑफ लाइफ, जीवन पद्धति का रेपुलेशन किया है, इसलिए हमारा जो मूल आत्मा ही है वो राष्ट्रवादी है। देश सबसे पहले देश की जगह तो बाकी सारी बातें हो जाती है, इसलिए विकास भी अपनी जगह पर है, राष्ट्रवाद भी अपनी जगह पर है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के 500 स्क्वायर फीट घर देने पर सांसद गोपाल शेट्टी ने चुटकी लेने के अंदाज में कहा कि 55 सालों से कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने 180 फीट घर देने का बिल पास किया, हमने तो 200 फीट घर देने की बात की, तो अब राहुल बाबा 500 स्क्वायर फीट घर देने की बात कह रहे हैं, ये चुनावी एजेंडा है। सांसद गोपाल शेट्टी ने लोगों से अपील की कि अपना कीमती वोट देने से पहले एक बार सोच समझ कर अपना वोट करें। और उन्होंने कहा कि हम 500 फुट ऐसा में 500 फुट की जगह देंगे, अब यही कांग्रेस वालों ने 180 फुट का पैदल आया, यही कांग्रेस वालों ने उनका केंद्र में राज्य था, स्टेट में राज्य था, पूरे देश में इनका राज्य था, इनको कोई विपक्ष का कोई आह्वान नहीं था, कोई चैलेंज नहीं था, उन्होंने 180 फुट का पैदल बनाया, तब इनको मालूम नहीं पड़ा
ये तो हम लोगों ने 225 किया, 269 किया, 300 किया, अब हमने 300 किया तो ये बोलते हैं हम 500 करेंगे, हम 500 करेंगे। ये मतलब आज देश के लोगों को ये पता चलता है कि ये खाली गुमराह करने की बात है, ये खाली गुमराह करने की बात है। आप ये बताइए 180 फुट का कायदा आपने बनाया, तब आपको ये लगा कि कम से कम 300 फुट का घर होना चाहिए लोगों का। आपने अगर 300 फुट का लाया होता तो आप 500 फुट का बात कर सकते हैं। आपने 180 फुट का कायदा लाकर कितना साल हुआ, कितना ऐश्वर्य का घर हुआ तुम्हारा, आपकी सरकार थी महाराष्ट्र में, इसलिए इनके ऊपर भरोसा कौन करेगा? भरोसा उसके ऊपर किया जाता है, चलो एक मौका दे दो इनको। आपने पूरा आजादी के बाद में 55 साल आपने देश में राज किया और आप कर नहीं पाए, और आप अभी हम बोलते हो हमको मौका दे दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इनको कौन भरोसा करेगा?